Hello everyone, I welcome again to all of you in my BA tutorial classes Success in Teaching Field. Friends, ये वीडियो उन सभी स्टूडेंट के लिए हैं जो इंटरेस्टेड है बी एड कोर्स में और जो इंटरेस्टेड है टीचिंग ट्रेनिंग कोर्स में. इसमें मैं सारे प्रीवियस क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा. लास्ट टाइम में जितने भी 5 साल 10 सालों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चन पे मैं डिस्कस करूंगा. और ये वीडियो इसलिए हेल्पफुल है कि इस वीडियो में मैं इंग्लिश में सारे मटेरियल प्रोवाइड करवाऊंगा क्योंकि मार्केट में ये मटेरियल अवेलेबल ज़्यादातर नहीं है. और जो बच्चे हिंदी से लिख रहे हैं उसके लिए भी ज़्यादा ये इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कि हिंदी मटेरियल तो मिल जाते हैं लेकिन आपको बायलिंगुअल होकर के लिखेंगे तो वो ज़्यादा यूजफुल होगा. इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे जो भी क्वेश्चन पूछे गए हैं और उन और जो बीएड का जो सेंटर पॉइंट होता है क्वेश्चन पूछने का, चाहे वो सिलेबस का हो चाहे वो यूनिट का हो, मैं उन्हीं सब सेंटर पॉइंट पे डिस्कस करूंगा जो एक्चुअल पॉइंट है बीएड का. आपका कॉलेज किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड हो, चाहे वो मजरूर हक यूनिवर्सिटी से हो, चाहे पटना यूनिवर्सिटी से हो, आर्यभट्ट यूनिवर्सिटी से हो, पाटलिपुत्र है, मगर किसी भी यूनिवर्सिटी से एफिलेटेड होगा तो आपको ये क्वेश्चन सभी क्वेश्चन बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा आपके लिए. इसलिए कि मैं सभी सेंटर पॉइंट पे डिस्कस करूंगा और ये एग्जाम के पर्पज़ से, आपके कोर्स के पर्पज़ से बहुत ज़्यादा हेल्पफुल रहेगा. तो हम शुरू करते हैं. यहाँ पर मैंने सबसे पहले जो क्वेश्चन उठाया है, पहला जो पेपर है आपका चाइल्डहुड एंड ग्रोइंग अप वाला, उसमें जो 2019 में, ये देख रहे हैं आप यहाँ पर, 2019 में जो क्वेश्चन पूछा गया है उस पर मैं डिस्कस करूंगा. इसके रूल रेगुलेशन तो आप जान ही रहे होंगे. 3-3 घंटे का होता है, 80 नंबर के पेपर होते हैं और 5 यूनिट होते हैं जिसमें से 10 क्वेश्चन पूछे जाते हैं और आपको सिर्फ और सिर्फ उसमें से 5 ही करना होता है. यहाँ पर पूछा गया है पहला क्वेश्चन, जो देख रहे हैं आप यहाँ पर, जो पहला क्वेश्चन पूछा गया है कि चाइल्डहुड से आप क्या समझते हैं, चाइल्डहुड क्या होता है, बाल्यावस्था से आप क्या समझते हैं, एक्सप्लेन द डिफरेंट डायमेंशन ऑफ डेवलपमेंट ड्यूरिंग चाइल्डहुड, यानी बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था के दौरान होने वाले विकास के विभिन्न आयामों की व्याख्या करें. तो मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है यहाँ पर, और आपके लिए इतने सारे मटेरियल मैं यहाँ पर प्रोवाइड करा दूंगा कि आपके लिए बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होगा और बहुत ज़्यादा सफिशियंट रहेगा. आपको इसके अलावा कोई और वीडियो देखने की या फिर कोई और मटेरियल प्रोवाइड होने की ज़रूरत नहीं रहेगी. इसलिए कि मैंने यहाँ पर आपके एक्सप्लेनेशन के साथ, क्वेश्चन के एक्सप्लेनेशन के साथ आपको सारे मटेरियल भी प्रोवाइड करा दिया है मैंने, और ये सारे पे मैं डिस्कस भी कर दूंगा. जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट होगा मैं सब पर कर दूंगा. यहाँ पर इन्होंने लिखा है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो इन्होंने पूछा है कि चाइल्डहुड से आप क्या समझते हैं, तो इसके मीनिंग को देख लेते हैं हम कि इसके मीनिंग किस तरीके से समझ में आता है. इसके मीनिंग में लिखा हुआ है कि मीनिंग ऑफ चाइल्ड, when a child complete his 5 years and step into the school going age, the period of childhood start. जब वो 5 year का होता है, वैसे तो उससे पहले आपको ये समझ लेना ज़रूरी है कि किसी भी childhood को हम 3 भागों में बांट सकते हैं. पहला जो होता है वो होता है infancy. Infancy जो होता है वो होता है आपका 0 से लेकर के 2 साल तक. दूसरा होता है आपका चाइल्डहुड होता है आपका 2 साल से लेकर के वो होता है आपका 12 साल तक. और तीसरा होता है एडोलेसेंट जो होता है 12 से लेकर के आपका होता है 19 साल तक. तो इसे आपको समझना ज़रूरी है, इस एज को समझना ज़रूरी है आपको. तो इन्फेंसी के बारे में हम डिस्कस नहीं करेंगे, यहाँ पर चाइल्डहुड के बारे में यहाँ पर सारा कुछ डिस्कस किया जाएगा. ड्यूरिंग दिस पीरियड सिग्निफिकेंट चेंज इन स्फेयर ऑफ फिजिकल, इंटेलेक्चुअल, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स टेक प्लेस. यहाँ पर जो भी चेंजिंग देखने के लिए मिलता है वो बहुत मेजोरिटी लेवल पे देखने के लिए मिलता है. इससे पहले जो इन्फेंसी एज होती है वो क्या होता है, इंट्रोवर्ट होता है. यहाँ पर आकर के इस एज को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट माना जाता है. यही वजह है कि बड़े बड़े साइकोलॉजिस्ट, चाहे वो जिन प्याजे हो, चाहे वो चॉमस्की हो, चाहे वो जॉन हो, सिम्पसन हो, इन्होंने बहुत अच्छी बात कहा है कि सिम्पसन और जॉन क्या कहता है कि नो पीरियड ड्यूरिंग द लाइफ साइकिल इज मोर इम्पोर्टेंट देन चाइल्डहुड. यानी कि इस चाइल्डहुड के बारे में सभी कोई बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट बताते हैं. अगर मैं क्या कहते हैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करूं तो आर्टिकल 45 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, अ चाइल्ड मे मीन एवरी वुमेन बीइंग बिलो द एज ऑफ 14 ईयर्स, यानी कि 14 ईयर्स के जो पहले के बच्चे होते हैं उनको चाइल्डहुड के एज में रखा जाता है और चाइल्डहुड के एज में उसको माना जाता है. उसके बाद में मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट. पहले तो हमने उन्होंने पूछा था कि चाइल्ड से आप क्या समझते हैं, तो उसका मैंने डिफिनेशन बता दिया और कुछ मेजर पॉइंट बता दिए. मीनिंग ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को अब समझते हैं. ये जो ग्रोथ और डेवलपमेंट का पार्ट है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आपके सिलेबस में, साइकोलॉजी में खास करके.
इसमें जो दो पॉइंट होता है, इन्होंने क्या क्या बोला हुआ है, ये जो टू टर्म्स होते हैं यानी कि ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो टू टू टर्म्स होते हैं, ये बहुत ज़्यादा क्या होता है, इंटरचेंजेबली होते हैं, सिनोनिमस होते हैं, ओ टर्म होते हैं, बहुत रिलेटेड मेजरमेंट होते हैं, उसके बाद चेंज ओके इन इंडिविजुअल आफ्टर कॉन्सेप्ट। ये जो मदर के पेट से ही ये जो बच्चा है जिस तरह से डिफ्रेंशिएट देखने के लिए मिलता है, और उसमें जो जो चेंजिंग आती है उसी को डेवलपमेंट बोलते हैं। इसमें कौन कौन से डेवलपमेंट को हम मेंशन कर सकते हैं, जैसे कि उसके अंदर में फिजिकल डेवलपमेंट हम मेंशन कर सकते हैं, मेंटल डेवलपमेंट मेंशन कर सकते हैं, और सोशल हो गया, इमोशनल हो गया, तो इसी तरह से सारे डेवलपमेंट उसमें देखने के लिए मिलता है। अब हम इसको समझने के लिए पूरी तरीके से, और मैं सारे पॉइंट को एक एक लाइन करके डिस्कस नहीं कर सकता, अगर मैं इनमें टाइम लगा दिया तो फिर पिछले 10-20 सालों के जो क्वेश्चन है वो सब क्लियर नहीं हो पाएगा। मैं ये चाहता हूँ कि अगर आपके पास नोट अवेलेबल है या नहीं भी है, तो ये जो मटेरियल मैंने आपको यहाँ पर मैंशन किया हुआ है, आप उसको पॉज करके आप अपना नोट्स को करेक्ट कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे बच्चों का ये क्वेश्चन था कि सर कौन से पॉइंट इसमें, कौन से एलिमेंट इसमें इंक्लूड किए जाएंगे, वो समझ में नहीं आ रहा है, और गैप की वजह से बहुत सारी कन्फ्यूजन बनी हुई है। सर आप क्या कहते हैं क्वेश्चन पर डिस्कस करते हैं, इसीलिए मैंने इसके मटेरियल के साथ में एक्सप्लेनेशन को भी इंक्लूड कर दिया है, तो आप वीडियो पॉज करके उसको आप लिख सकते हैं, समझ सकते हैं। मैं आपको मेजर पॉइंट बता दूंगा ताकि आप आसानी से इसको समझ लें। जनरली यहाँ से है आपका क्वेश्चन, एक्चुअल में समझ में आएगा यहाँ से आपको, जनरली एक्सेप्टेड स्टेप और स्टेज ऑफ डेवलपमेंट का जो स्टेज होता है वो जनरली यहाँ से आप समझ सकते हैं। पहला जो होता है बर्थ टू 2 ईयर तक जो होता है वो इन्फेंसी एज कहलाता है, और इन्फेंसी एज के बारे में मैं थोड़ा सा करेक्टरिस्टिक्स की बुक के बारे में बता, पहले तो आप ये समझ लो इन्फेंसी एज का कहाँ से कहाँ तक होता है, 0 से लेकर के आपका 2 साल तक होता है। उसके बाद में आता है आपका 6 साल से लेकर के, आपका 2 साल से लेकर के जो 6 साल तक की एज होती है इसको बोलते हैं हम क्या बोलते हैं, अर्ली चाइल्डहुड एज बोलते हैं। ये कब से कब तक होता है, 2 साल से लेकर के 6 साल तक जो होता है अर्ली चाइल्डहुड बोलते हैं। अब ये 6 से लेकर के जब ये होता है 14 साल तक, इसको क्या बोलते हैं, लेटर चाइल्डहुड एज बोलते हैं। उसके बाद में आपका जब ये होता है 14 से लेकर के 17 तक होता है, 14 साल से 17 साल तक जो एज होती है वो एडोलेसेंस सेंसरी मोटर स्टेज वाली क्या कहते हैं सीनियर सेकेंडरी एज होती है, जिसको एडोलेसेंस एज बोलते हैं। उसके बाद आपका आता है 18 साल से 40 साल तक की जो एज होती है वो एडल्टहुड में आता है। अब एडल्टहुड को भी 2 भागों में बांटा हुआ है, 40 से 65 तक ईयर जो है मेच्योरिटी एडल्टहुड आती है, ये जो 40 से लेकर के 65 साल तक है वो मेच्योरिटी एडल्टहुड में आता है, और उसके बाद में उसके ओवर यानी कि 65 साल के ऊपर जब आ जाता है तो एज ऑफ एडल्टहुड में उसको इंक्लूड किया जाता है। अब यहाँ पर हम करेक्टरिस्टिक्स के को मैं इंक्लूड कर दिया है कि जो बचपन से लेकर के यानी इन्फेंसी एज से लेकर के जो अभी तक क्या कहते हैं एडोलेसन या फिर एडल्टहुड तक के जो आपके करेक्टरिस्टिक्स होते हैं उनको मैंने यहाँ पर मेंशन कर दिया है, ताकि आपको इजी हो हर पॉइंट को बहुत अच्छे तरीके से डिस्कस करने में, समझाने में बहुत इजी हो। अगर मैं इन्फेंसी एज की बात करूँ तो इन्फेंसी एज में इस बच्चे का सबसे बड़ा क्या होता है, सर होता है, और वो अपने पेरेंट्स पर डिपेंड होता है, 18 से 20 घंटे तक सोता रहता है, 3 माह जो जब जब वो उसकी तीन क्या कहते हैं 3 मंथ का हो जाता है तो उसकी पहले तो उसकी नज़रों पर उसके कंट्रोल नहीं होता है, फिर उसके अपने आंखों पर कंट्रोल करना शुरू कर देता है, 8 मंथ में वो चीज़ों को बहुत मजबूती से पकड़ने लग जाता है, और 6 मंथ में वो सहारा पकड़ करके बैठने लग जाता है, 9 मंथ में वो किसी चीज़ को पकड़ करके चलना शुरू कर देता है, और 12 से 15 मंथ में वो क्या कर चलने लगता है, और 1 साल में अगर क्या कहते हैं उसके बोन्स अच्छे से बन जाते हैं और दांत भी निकल जाते हैं, और सबसे ये चीज़ पूछा जाता है कि बच्चे का जो क्या कहते हैं मैं कैरेक्टरिस्टिक इन्फेंसी कैरेक्टरिस्टिक की बात कर रहा हूँ तो वो किस तरीके से बढ़ता है, सबसे पहले उसका सर बड़ा होता है, उसके बाद में उसका कंधा और उसके आर्म्स उसके पेट और लास्ट में उसका पैर बड़ा होता है। अगर मैं बात करूँ चाइल्डहुड की तो चाइल्डहुड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, मैंने इससे पहले भी बताया आपको चाइल्डहुड में क्या क्या चीज़ें देखने के लिए मिलती है। अगर मैं अर्ली चाइल्डहुड की बात करूँ यहाँ पर तो फिर अर्ली चाइल्डहुड जो होता है वो 2 से 6 मंथ का होता है, ये स्कूल से पहले की एज होती है। यहाँ पर जो है बच्चा बहुत सी चीज़ों को क्या करता है कॉपी करना शुरू कर देता है, यानी कि दोस्तों से अपने पेरेंट्स से कॉपी कर करके वो चीज़ें सीखना शुरू कर देता है, और इस एज में 2 से 6 साल की एज में बॉयज़ और गर्ल्स के जो फिजिकल डेवलपमेंट है उसमें डिफ्रेंसेस देखने के लिए मिलता है। और जब 4 साल का होता है तो वो 38 पाउंड्स का हो जाता है और फिर 40 इंच वो लंबा हो जाता है, और दोस्ती जो होता है उसका फ्रेंडशिप जो सर्कल होता है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है।
इसी तरीके से चाइल्डहुड की बहुत सारी करेक्टरिस्टिक बहुत सारे और भी देखे जा सकते हैं। इसको इतना इम्पोर्टेंट क्यों कहा गया है, इसलिए कि इसमें बहुत कॉम्प्लेक्स टाइप के डिफरेंसेस देखने के लिए मिलते हैं। अगर 6 साल में उसमें क्या होता है, बच्चे के अंदर 6 एज होता है तो उसमें बहुत सारा क्रोध आना शुरू हो जाता है, गुस्सा होने लग जाता है और हर बात का जवाब जो है वो नहीं में देने लग जाता है। 7 साल में क्या होने लगता है, वो बहुत ज़्यादा क्या कहते हैं उदास होने लग जाता है। 8वें साल में वो समाज सोसाइटी का एक मेंबर बनना बहुत पसंद करता है अपने आप में। और 9 से 12 साल में स्कूल का जो इंटरेस्ट होता है वो ख़त्म होने लग जाता है। और 9 से 12 साल में वो क्या करता है, किसी महान व्यक्ति के बारे में सोचने लग जाता है, उसका कोई एक क्या कहते हैं गाइडर बन जाता है और वो उसी की तरह बनने की कोशिश करने लग जाता है अपने स्कूल में, वो इंटरेस्ट नहीं लेता है। 6 से 12 साल लेटर चाइल्डहुड को कहा जाता है। यहाँ पर प्राथमिक विद्यालय जो है वो शुरू हो जाती है। यही वजह है कि अर्ली स्कूल एज भी कहते हैं, एलिमेंट्री स्कूल एज भी कहते हैं इसको। अगर ये सवाल बहुत पूछा जाता है सीटेट में कि एलिमेंट्री स्कूल एज किसे बोलते हैं, उसके अलावा क्या क्या बोलते हैं इस एज को, स्मार्ट एज भी बोलते हैं और डर्टी एज भी इसी को बोलते हैं, इसी चाइल्डहुड को बोलते हैं। डर्टी एज क्यों, स्मार्ट एज को इसलिए बोलते हैं कि न्यू क्यूरियोसिटी के क्या न्यू क्यूरियोसिटी उसके अंदर पैदा होती है। डर्टी एज इसलिए बोलते हैं कि बिना मतलब का वो इधर उधर घूमता रहता है, उसका कोई मकसद नहीं होता, उसका कोई गोल नहीं होता, बस यूँ ही उसको घूमना होता है। तो ये सारे करेक्टरिस्टिक्स हैं जिसे आप समझ सकते हैं पूरे अच्छे तरीके से। और इन्होंने क्वेश्चन में भी पूछा हुआ है कि वो कौन कौन से डायमेंशन हैं जो इसमें देखने के लिए मिलते हैं। और अगर मैं बात करूँ इसमें तो करेक्टरिस्टिक्स में और क्या क्या हो सकता है, फिजिकल एंड मेंटल स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलता है, यानी कि उसका जो शारीरिक है और क्या कहते हैं मानसिक है उसमें जो है स्थिरता देखने के लिए मिलता है। एक ये बहुत बड़ा पॉइंट है। दूसरा पॉइंट इसमें और क्या इंक्लूड कर सकते हैं, इसमें दूसरा पॉइंट और भी इंक्लूड कर सकते हैं और वो ये है कि आप इसमें क्या कहते हैं इंक्रीज इन इंटेल क्या कहते मेंटल एबिलिटीज बहुत बढ़ जाती है। तीसरा पॉइंट इसमें क्या इंक्लूड कर सकते हैं, फोर्सफुली क्यूरोसिटी, यानी कि फोर्सफुली क्यूरोसिटी का मतलब होता है कि वो हर तरह के क्वेश्चन अराइज करना शुरू कर देता है, किसी भी चीज़ को वो क्वेश्चन किए बगैर नहीं चुप बैठता, हर चीज़ को समझने की कोशिश करने लग जाता है वो। और उसके बाद रिलेशनशिप विद रियल वर्ल्ड, यानी कि जो अब सच्चाई की दुनिया है उसको समझना शुरू कर देता है। उसके बाद क्या है, उसके बाद ये पॉइंट ऐड कर सकते हैं, प्लीज इन सर्टेन एक्टिविटीज, यानी क्रिएटिव एक्टिविटीज, वो प्लीज इन क्रिएटिव एक्टिविटीज़, यानी कि जो क्रिएटिव एक्टिविटीज़ होती है सर संचारात्मक चीज़ें जो होती है उस पर वो बहुत ज़्यादा ध्यान देने लग जाता है। डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़, या इस पॉइंट को भी ऐड कर सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ सोशल क्वालिटीज़ को वो बहुत ज़्यादा महत्व देने लग जाता है, सोशल सोसाइटी का मेम्बर बनना शुरू कर देता है। 6वें पॉइंट में आप इसको ऐड कर सकते हैं कि डेवलपमेंट ऑफ मॉरल ट्रेट, यानी कि उसकी जो सच्चाई है उसको समझने लग जाता है, अपने सोसाइटी से अपने रिलीजियस से अपने कल्चर से मॉरल डेवलपमेंट करने लग जाता है। इंटरेस्ट इन ग्रुप गेम, यानी कि यहाँ पर इसको इस एज को तीसरा नाम से भी जाना जाता है, वो गैंग एज भी बोलते हैं। अगर चाइल्डहुड की एज की बात करें तो इसको गैंग एज भी बोलते हैं और इसको गैंग एज से भी जाना जाता है। मैंने ये सारे पॉइंट यहाँ पर इंक्लूड करा दिए हैं, जो भी करेक्टरिस्टिक्स हैं जो भी मैंने आपको बताया है वो तो सारे इंक्लूड किए जा सकते हैं और आप उसको बैठ करके नोट्स भी बना करके उसको आसानी से लिख सकते हैं। वेरियस फैक्टर्स ऑफ ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, ग्रोथ और डेवलपमेंट के जो वेरियस फैक्टर्स होते हैं जो इन्फ्लुएंस करते हैं चाइल्डहुड के डेवलपमेंट में, उनको हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। फर्स्ट ऑफ ऑल तो आप ये समझ लें कि पहला जो सबसे दो मेजरली पॉइंट होता है वो क्या क्या होता है, एक होता है हेरिडिटी और दूसरा होता है आपका क्या कहते हैं एनवायरनमेंट होता है। ये दोनों फैक्टर्स बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं किसको, आपके डेवलपमेंट को। अगर इसके अकॉर्डिंग ये सारी इसमें क्या क्या चीज़ें और आती हैं, फैमिली फैक्टर्स बहुत बड़ा फैक्टर होता है, फैमिली सबसे पहला स्कूल होता है जो बच्चे को डेवलपमेंट में इफेक्ट करता है। कल्चरल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, उसके बाद फिजिकल फैक्टर भी बहुत ज़्यादा, मोटर फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, चौथे नंबर पर मेंटल फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, इमोशनल फैक्टर बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, सोशल फैक्टर उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, उसके बाद लैंग्वेज फैक्टर भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, नेबरहुड वाले जो है यानी कि आस पड़ोस के जो लोग हैं वो भी बहुत ज़्यादा उसको मोटिवेट करता है, बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, स्कूल सोसाइटी जो है स्कूल जो वातावरण है वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, और कम्युनिटी यानी कि उसका जो ग्रुप होता है उसकी जो कम्युनिटी होती है वो भी बहुत ज़्यादा उसको इफेक्ट करता है। मैंने एक एक पॉइंट यहाँ पर डिस्कस कर दिया है, सबको पढ़ पाना बहुत मुश्किल है, आपके लिए अच्छा रहेगा कि आप वीडियो को पोस्ट करें और नोट्स उसको बना लें और अच्छे तरीके से उसके पॉइंट को
जो मैंने आपको गिनाए हैं, जो मैंने यहाँ मेंशन किए हैं, ये बहुत सफिशियंट है आपके लिए। वो सारा एक 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 करके आप नोट डाउन करें और ये ज़्यादा ईजी रहेगा आपके लिए। पहला फैक्टर में क्या है कि फिजिकल फैक्टर उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इंटेलेक्चुअल फैक्टर उसको बहुत ज़्यादा इफेक्ट करते हैं, इमोशनल फैक्टर जो है, ये जो बड़े बड़े फैक्टर है मैंने उन्हीं को इंक्लूड किया है और भी आप अपने तरफ से इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। मॉरल और कैरेक्टर डेवलपमेंट की बात करें तो वो भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है, सोशल डेवलपमेंट की बात करें तो ये भी बहुत ज़्यादा इफेक्ट करता है। और इन सब के जो क्या ये डेफिनेशन है वो थोड़ा थोड़ा मैंने उसके करेक्टरिस्टिक को भी यहाँ पर लिख दिया है। लैंग्वेज डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि लैंग्वेज डेवलपमेंट भी इसी एज में सबसे बेस्ट एज माना जाता है लैंग्वेज को डेवलपमेंट होने में। द स्टेज ऑफ चाइल्डहुड मैन करेक्टरिस्टिक्स, मैंने बहुत सारे करेक्टरिस्टिक्स आपको बता दिए हैं, इसमें से क्वेश्चन इसी टेक में भी बहुत पूछे जाते हैं, मैन करेक्टरिस्टिक्स क्या क्या है, आप उसके करेक्टरिस्टिक्स से आप क्या क्या समझते हैं। तो यहाँ पर मैंने करेक्टरिस्टिक्स को भी पॉइंट आउट करा दिया है। पीरियड ऑफ स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ बोलते हैं इस एज को, वो क्यों बोलते हैं तो उसका करेक्टराइज पीरियड ऑफ द स्लो होता है लेकिन स्टेडी होता है, बहुत ज़्यादा स्टेबल होता है, यूनिफॉर्म ग्रोथ होता है, डेवलपमेंट रेट ऑल्सो कंटिन्यूअस एंड यूनिफॉर्म होता है, इज वेरी वेरी स्लो एट दिस स्टेज, यहाँ पर बहुत स्लो हो जाती है, इंडिपेंडेंस होना शुरू हो जाता है। इंडिपेंडेंस कहने का क्या मतलब है कि अगर वो इन्फेंसी एज में होता है तो वो इंडिपेंडेंट नहीं होता है, वो डिपेंडेंट होता है पेरेंट्स पे। और एक एक चीज़ आपको याद रखना है कि चाइल्डहुड में ये भी माना जाता है कि वो एक्स्ट्रोवर्ट हो जाता है, यानी कि अब वो बाहर की दुनिया को बसाना शुरू कर देता है। और अगर वही इन्फेंसी की बात करूँ मैं तो इन्फेंसी में वो इंट्रोवर्ट होता है ना कि एक्स्ट्रोवर्ट होता है। एक्स्ट्रोवर्ट कहाँ पर होकर आकर हो जाता है, वो चाइल्डहुड स्टेज में हो जाता है। इमोशनल स्टेबिलिटी देखने के लिए मिलता है, इमोशनल स्टेबिलिटी बहुत ज़्यादा उसके अंदर आ जाती है, हर चीज़ में इमोशन हो जाता है। डेवलपमेंट सोशल टेंडेंसी की बात करें, सोशल टेंडेंसी जैसे मैंने बताया कि वो सोसाइटी का जो एक अच्छा मेंबर बनने की कोशिश करने लग जाता है। यहाँ पर मैंने सारे पॉइंट इंक्लूड करा दिए हैं, रियलिस्टिक एटीट्यूड, चाइल्ड स्टेज, एक्सेप्टेंस, सारी चीज़ें मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा दिया है। फॉर्मेशन ऑफ सेंटीमेंट एंड कॉम्प्लेक्स, अब सेंटीमेंट भी बहुत ज़्यादा होता है, जैसे मैंने आपको बताया अभी पिछले पॉइंट में कि वो क्या करता है कि हर बात को ना में जवाब देने की कोशिश करता है, सिर्फ ना में जवाब, और बहुत चीज़ों को बहुत ज़्यादा इमोशनली होकर के क्वेश्चन करता है। सेक्सुअल डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिलता है, जैसे मैंने बताया कि इसी एज में सेक्सुअल डेवलपमेंट भी देखने के लिए मिल जाता है। अगर मैं बात करूँ तो 11 से 13 की एज में जो सेक्सुअल डेवलपमेंट है वो लड़कियों का पूरा हो जाता है, और 13 से लेकर 18 साल की एज में लड़कों का ये सेक्सुअल डेवलपमेंट एज जो है वो पूरा हो जाता है। इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की अगर बात करें तो ये बहुत बड़ा पॉइंट है, क्योंकि बहुत बड़े साइकोलॉजिस्ट जितने भी हैं सब ने यही कहा है कि इंटेलेक्चुअल जो डेवलपमेंट होता है, ये बात याद रखने की है कि 90% जो है चाइल्डहुड के एज में इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट कम्प्लीट हो चुका होता है, और यहाँ के बाद में सिर्फ 10% रह जाता है। यानी कि अगर इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट की बात करें तो इस एज में 90% बच्चों का इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट हो जाता है। इंटरेस्ट एप्टीट्यूड यानी कि एप्टीट्यूड जो होता है उसका, वो उसमें इंटरेस्ट लेना शुरू कर देता है, उसको समझना शुरू कर देता है। ये सारे पॉइंट मैंने यहाँ पर इंक्लूड करा दिए हैं, आप आसानी से बैठ करके इसको समझ सकते हो, उसका नोट बना सकते हो और इन पॉइंट को अपने माइंड में भी रख सकते हो। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन के साथ, और हाँ, किसी तरह के अगर सुझाव हो, किसी तरह वीडियो के अकॉर्डिंग किसी तरह की अगर क्वेरी हो, ओपिनियन हो, किसी तरह की हम चीज़ आपको कहना हो हमसे, तो वो आप हमसे कमेंट बॉक्स में बोल सकते हैं। और मैं आपको अभी इस इंग्लिश में प्रोवाइड करवा रहा हूँ, उसके बाद मैं हिंदी में और उर्दू में भी प्रोवाइड करवा दूँगा, सारे मटेरियल्स भी प्रोवाइड करा दूँगा, और उसके बाद इसी तरह से मैं आपको एक्सप्लेनेशन भी दे दूँगा। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।